गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है बच्चों? वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो सिर्फ एक क्षेत्र से, एक सरफेस से पास हुई इलेक्ट्रिक लाइन्स का योग होता है कि कितनी इलेक्ट्रिक लाइन्स इस सरफेस से पास हो रही है। मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि इट इज डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया। एक पर्टिकुलर क्षेत्र से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करती हैं उसको हम वैद्युत फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। देखिएगा, हम जानते हैं कुछ चीजें, पहले मैं आपको बता दूं, क्लास 11 से पढ़ के आ रहे हैं आप, कि कभी अगर दो चीजों का, दो वैक्टर्स का हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल दो वैक्टर्स हमारे यहाँ पर ए और क्रॉस बी है, तो इसका जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो रिजल्ट हमारा आएगा ए बी साइन थीटा, और जब इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं ए डॉट बी तो हमारा रिजल्ट आएगा ए बी क्रॉस थीटा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। यहां पे हमने क्या किया, हमने ये लिया एक छोटा सा सरफेस और सरफेस से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कराई। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस होती हैं, तो हम देखते हैं कि सपोज दैट ये एक सरफेस है आपका और इससे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कराई। अब हमें क्या करना है, हमें ये पता करना है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पर्टिकुलर सरफेस से कितनी क्रॉस करी एक टाइम में। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि फाई इक्वल्स टू सिग्मा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डॉट सरफेस एरिया ई डॉट डी एस, या फाई इज इक्विवेलेंट टू ई डॉट डी एस। ठीक है, अब हम इसको निकालते हैं। देखिएगा, हमने बोला कि हम हमेशा फिजिक्स में पॉइंट चार्ज की बात या छोटे एरिया की बात करते हैं, एक छोटे से एरिया को लेकर चलते हैं, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे डी फाई इक्वल्स टू ई डॉट डीएस। यहां पर देखिए, मैं बता दूं आपको कि ई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, डेल्टा एस स्मॉल सरफेस एरिया है, और एन वेक्टर जो है, एन कैप जो है, ये एरिया वेक्टर है इस सरफेस का, और थीटा जो है वो थीटा एंगल होगा ये एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस के बीच का। बस समझिएगा यहां पर, अब जो भी हमारी इलेक्ट्रिक वो सरफेस है वो हमेशा हमारे ग्राउंड से वर्टिकल या 90 डिग्री की पोजीशन पे होती है। जब हमारी पोजीशन ये होगी तभी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके बीच से क्रॉस कर पाएंगी। अगर हमारी पोजीशन ये होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा ऊपर से क्रॉस कर जाएंगी या नीचे से क्रॉस कर जाएंगी, इस पर्टिकुलर एरिया से नहीं क्रॉस करेंगी। हमको कंसिडर करनी है केवल वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो इसके बीच से क्रॉस कर रही है, ना कि ऊपर और ना कि नीचे से। देखिए, ये हमने दिया यहां पर। अब हम जानते हैं, पहले बताया आपको कि दो चीजों का डॉट प्रोडक्ट जो है, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो है वो हमेशा ए बी कॉस थीटा होता है, तो यहां पे हो गया डी फाई इक्वल्स टू ई डी एस कॉस थीटा। ओके, यहां पर हमने एन कैप लिया है, एन कैप कुछ नहीं बस एरिया वेक्टर है, और एरिया वेक्टर एरिया इतना छोटा है कि उसको हम वन अज्यूम करते हैं कि एरिया वेक्टर की वैल्यू, एन कैप की वैल्यू जो है एन कैप इक्वल्स टू वन है। अब देखिए, ये आ गया हमारा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें टोटल फ्लक्स निकालना है, टोटल फ्लक्स निकालना है, तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। बात को समझिएगा, हमने ये जो सरफेस एरिया होता है ये हमेशा क्लोज सरफेस एरिया होता है, ये एक लिमिटेड सरफेस एरिया होता है, ये ओपन सरफेस एरिया नहीं होता कि कितना भी सरफेस एरिया हो, हमेशा एक क्लोज सरफेस एरिया होता है। तो यहां पर क्या आया हमारा रिजल्ट, फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस कॉस थीटा इंटीग्रेशन ऑन क्लोज्ड सरफेस। ओके, अब देखिए यहां पर चूंकि थीटा जो है, थीटा जो हमारा एंगल है, थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वैक्टर एन कैप एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ई। तो यहां पे थीटा हमारा, चूंकि देखिए
जब भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से क्रॉस करती है और इसका हम एरिया वेक्टर निकालते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा सेम रहता है। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी आउटवर्ड्स रहता है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का भी डायरेक्शन आउटवर्ड्स रहता है। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सिमिलर हो गया, सिमिलर का मतलब जीरो हो गया। तो यहाँ पे हो गया फाइव इक्वल्स टू ई डॉट डी एस कॉस जीरो, फाइव इक्वल्स टू ई डॉट डी एस कॉस जीरो की वैल्यू होती है वन, सभी जानते हैं। अब हम आते हैं आगे, मैं बताना चाहूंगा आपको कि यहां पर हमने कॉस थीटा या हमने डॉट मल्टीप्लिकेशन क्यों लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं लिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसलिए नहीं लिया, बता दूं, क्योंकि अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहां पे लेता तो थीटा की वैल्यू आती हमारी जीरो, थीटा की वैल्यू हमें पहले से ही जीरो है। तो यहां पर क्या होता, यहां पर रिजल्ट आता ई डी एस साइन जीरो, साइन जीरो का मतलब हो गया जीरो, मतलब ये पूरी इक्वेशन हमारी फाई इक्वल्स टू जीरो हो जाती। लेकिन हम जानते हैं कि भाई ये सरफेस है, यहां से इलेक्ट्रिक लाइन्स क्रॉस कर रही है, तो जाहिर सी बात है इसके इसकी कुछ ना कुछ इंटेंसिटी तो रही होगी, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्रॉस करी होगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्रॉस करी तो जीरो तो हो ही नहीं सकता किसी कीमत पे, तो वही कंडीशन है यहां पर, इसीलिए हमने यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट नहीं लिया और डॉट प्रोडक्ट लिया है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे निकालते हैं हम इसका एसआई यूनिट, एस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब एस आई यूनिट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे तो क्या होगा, फिर वही सेम इक्वेशन ई डॉट डी एस, ई जो होता है वो हम जानते हैं, ई हमारा क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है फोर्स अपॉन चार्ज। तो इसकी यूनिट क्या होगी हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये की यूनिट होती है एन न्यूटन पर कूलम, सिंपल सी बात है। और यहां पर डीएस एक स्मॉल एरिया है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाके न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, और वी कैन से न्यूटन कूलम इनवर्स, न्यूटन कूलम इनवर्स एंड मीटर स्क्वायर, क्लियर। अब हम आगे चलते हैं और इसकी निकालते हैं हम बीमा, जो बीमा निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, वही चीज वही कंडीशन कि हमने लिया, हमें बीमा निकालनी है ई डॉट डी एस की, तो इसकी बीमा क्या होती है ई की इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड की बीमा होती है एम एल टी माइनस टू, मतलब फोर्स अपॉन चार्ज ए इंटू टी, तो और इंटू एल स्क्वायर एरिया है, ये डीएस स्मॉल सरफेस एरिया है तो एल स्क्वायर, तो ये हमारी हो जाके एम एल क्यूब टी माइनस थ्री ए इनवर्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बीमा क्या निकल गया है हमारी एम एल क्यूब टी माइनस थ्री ए इनवर्स, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की बीमा होती है। अब हम बताते हैं आपको कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो हमेशा स्केलर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा जो है वो अदिश राशि होता है, इसकी कोई दिशा नहीं होती। तो ये था हमारा आज का टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और कोई क्वेरीज हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या तो आप हमें पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं, और उसके अलावा जो है जो भी दिक्कतें होंगी वो हम आपकी सॉल्व कर देंगे। यहां पर हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है आज का, और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गॉसियन थ्योरम, तो प्लीज आगे का वीडियो जरूर देखें, गॉसियन थ्योरम। थैंक यू सो मच।